बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रियाज अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी जनाब, इलेक्शन 2024 8 फरवरी को पोलिंग होने जा रही है और ऑलमोस्ट 24 दिन रह गए हैं पोलिंग डे में। इस वक्त जो शेड्यूल के मुताबिक सारा प्रोसेस जारी है, उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलाट कर दिए गए हैं और अब एक तरह सा ये जो इलेक्शन प्रोसेस है ये इंतखाबी मुहिम की तरफ चल पड़ा है, अवाम राबता मुहिम की तरफ चल पड़ा है। और अगर मैं बात करूं कि इस इलेक्शन के लिए अब तक मुल्की सतह पर क्या हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहां क्या हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार क्या रहा है और जो पस पर्दा जो मुक्तदर हल्के हैं उनका क्या रोल रहा है, तो ये एक लंबी कहानी हो जाएगी। बहरहाल पीटीआई को, जैसे मैं पहले भी अपने व्लॉग में कहता रहा हूँ कि पीटीआई को दीवार के साथ लगाया नहीं गया है, दीवार में चुन दिया गया है। और अभी तो 23-24 दिन पड़े हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखें, जब ये इंतखाबी निशानात जो हैं ये गुज़श्ता रात 11:30 बजे तक दिए जा रहे थे, तो उस वक्त भी कमोबेश पीटीआई के कमोबेश 29 जो उम्मीदवार थे उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इससे बड़ी क्या बात होगी कि जब पीटीआई का जो मौजूदा चेयरमैन है गौर अली खान, जब वो रोस्टम पर खड़े होकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दे रहे थे, तो उस वक्त उनके घर छापा मारा गया और उनके बच्चों को हरासा किया गया, उनकी अहलिया को हरासा किया गया, वहां से उनका लैपटॉप उठा लिया गया और उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उठा लिए गए। फिर जो पीटीआई दूसरी एक और पीटीआई एन के साथ एक बाकायदा एग्रीमेंट के तहत उन्होंने बल्लेबाज का इंतखाबी निशान अपने उम्मीदवारों को मुतारफ कराया, तो फिर उस पार्टी का जो चेयरमैन है इकबाल डार, उसके साथ क्या हुआ, उसको उठाकर उसके साथ क्या सलूक किया गया कि वो फॉरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अपने ही उस किए गए जो उसका एग्रीमेंट है उसको डिनाई कर दिया। खैर, ये सारी बातें आपको पता हैं। अब हम आगे चलते हैं और वो जो है जो हल्का NA 58 के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो इंतखाबी अमल है ये कैसे चल रहा है और यहाँ के उम्मीदवार जो हैं वो कौन कौन से हैं और उनको इंतखाबी निशानात क्या क्या दिए गए हैं और उनकी पार्टी क्या है, क्योंकि ये आखिरी लम्हे की डेवलपमेंट थी जो ये गुज़श्ता रात 12 बजे ख़त्म हुई है। और जिसने कोई अपना पार्टी चेंज करनी थी, टिकट चेंज करना था, जो भी करना था वो सारा कुछ हो गया है। हल्का NA 58 जो है जी, ये चकवाल 1 कहलाता था किसी टाइम जब तलागंग चकवाल का हिस्सा था, लेकिन अब ये चकवाल है और इसके सॉरी इसके दो लेग्स हैं, दो सूबाई नशिस्तें हैं, PP 20 और PP 21, उन पे भी हम बात करेंगे। हम 59 पे भी जाएंगे, तलागंग का जो हलका है और उसकी जो दो लेग्स हैं PP की नशिस्तें हैं उन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो ये है कि हलका NA 58 पर जब कागजात नामजदगी हुए थे तो 30 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जो अब जो एक आज लिस्ट जारी हुई है जिन्होंने अपने कागजात वापस लेने थे उन्होंने वापस ले लिए हैं और ये लिस्ट जो है ये अब आ गई है 21 उम्मीदवारों पे। इसमें जो काबिले जिक्र और कैंडिडेट हैं मैं उनका आपको बताता जाऊं कि उनका जो है किस पार्टी से तल्लक है और वो किस इंतखाबी निशान पर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि उन 30 उम्मीदवारों में से जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे उनमें 9 उम्मीदवार जो थे वो पीटीआई की तरफ से थे, जबकि PMLN की तरफ से 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे और जिन्होंने वापस ले लिए हैं और अब ये तादाद रह गई है 21। इनमें अब जो उम्मीदवार मैदान में हैं मैं उनका तारफ करा दूं और उनका थोड़ा सा सियासी बैकग्राउंड बता दूं, इसके अलावा वो किस इंतखाबी निशान पर मुकाबले में हैं। उनमें सबसे जो हैं जी नमाया उनमें हैं चौधरी एजाज अमीर, और आप जानते हैं कि चौधरी एजाज अमीर जो हैं वो मारूफ साफ़ी हैं और इंतहाई जाने पहचाने तजिया नगार हैं, ये तो उनका सहाफती तारफ हो गया, लेकिन इससे कबल वो
पॉलिटिक्स जब करते रहे हैं, तो रुकन सूबाई असम्बली रहे हैं और रुकन कौमी असम्बली भी रहे हैं। इस वक्त वो पीटीआई की तरफ से मुकाबले में मुकाबले पे आए हैं। बल्ला इंतखाबी निशान मिलना था जो कि ना मिल सका, फिर बल्लेबाज वाला मामला सामने आया वो भी ना हो सका, और इस वक्त जो है वो बाजा उनका इंतखाबी निशान है जी। इस इंतखाबी निशान पर वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर हैं मेजर रिटायर्ड तायर इकबाल जो कि पीएमएलएन की तरफ से हैं, सिक्का बंद उम्मीदवार हैं और सिक्का बंद इनका इंतखाबी निशान है वो है शेर। और जो मेजर तायर इकबाल हैं ये इससे पहले भी रुकन कौमी असम्बली रह चुके हैं। सरदार जुल्फकार अली खानदुल्ला, इनका नाम आता है तो लोग जो है वो थोड़ा सा मुस्करा देते हैं, स्माइल आ जाती है। ये आईपीपी में शामिल हुए थे पीटीआई से, पिछला जो दौरे इकतदार रहा है पीटीआई का उसमें ये रुकन कौमी असम्बली रहे हैं, और पिछला जो इलेक्शन है 2018 में उसमें भी इन्होंने ऐन आखिरी दिन पे पीटीआई का टिकट लिया था, और उसी तारीख को दोहराते हुए इन्होंने आखिरी जो ये इस इलेक्शन का आखिरी दिन था निशानात वाला, तो ये पीपल्स पार्टी का टिकट लेके मैदान में आए हैं। इससे पहले राजा रिजवान डंडोत जो है वो पीटीआई के उम्मीदवार थे, लेकिन ये टिकट चला गया जनाब जुल्फकार अली खानदुल्ला की तरफ, और इनका इंतखाबी निशान तीर है। चौथे नंबर पर हैं जी मलक इफ्तखार अहमद, इनका तल्लक जमात इस्लामी से है। ये अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और दीगर उहदों पर रहे हैं, और इस वक्त जो है वो तराजू के इंतखाबी निशान पर ये 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ेंगे। राजा सुहेल अख्तर सत्ती तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं, और इनका इंतखाबी निशान ग्रेन है। इसी तरह चौधरी इमरान कैसर अब्बास, ये गुज़श्ता कई इलेक्शन लड़ चुके हैं, मारूफ और सीनियर साफ़ी हैं चकवाल के, बड़ा आम किरदार है इनका सहाफत में, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के उम्मीदवार हैं। इनका इंतखाबी निशान बल्लेबाज है। ये एक गुज़श्ता रोज़ इनका टिकट डावाडोल हो गया था, लेकिन फिर इनका जो चेयरमैन है इकबाल डार साहब, उन्होंने कहा जी कि मेरा तो पीटीआई के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, ये सारा उन्होंने खुद ही जालसाजी की है, और बल्लेबाज का जो है ना जी टिकट इनको मैंने नहीं दी अब इनके उम्मीदवारों को। एनी इसके अलावा अगले जो उम्मीदवार हैं जी वो मोहम्मद तोफैल अर मारूफ डॉक्टर, ये बड़े सीनियर साफ़ी हैं जी, और इनका चकवाल की लोकल सहाफत में बड़ा अहम किरदार रहा है और अब भी है। ये इनको एक और क्रेडिट जाता है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसानियत इनकी अपनी पार्टी है, उसके बानी चेयरमैन हैं, और हमेशा ये इलेक्शन लड़ते हैं, NA58 का भी लड़ते हैं और PP20 पे भी ये उम्मीदवार हैं, और ये जो नाब कैंची लेके मैदान में आए हैं। आप देखते हैं कि ये दीगर पार्टियों के जो टिकट हैं वो वोट हैं वो कितने काटते हैं अपनी कैंची से, और कितने वोट लेंगे ये 8 फरवरी को पता चलेगा। अब्दुल्ला निसार आवान, ये मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं और इंतखाबी निशान कुर्सी है, गुज़श्ता इलेक्शन भी इन्होंने लड़ा है, आलम दीन है और इनकी एक अच्छी रिप्यूट है, ये मुकाबले में हैं। मुफ्ती मुख्तार अली रिजवी तहरीक लब्बैक इस्लाम आलम दीन है और तोप के इंतखाबी निशान पर ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हाफज अब्दुल कदीर, ये जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर्रहमान के पार्टी अहदेदार भी हैं और हर इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, इस वक्त भी ये किताब के इंतखाबी निशान पर जो है ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कलब अब्बास मलक साहब हैं जी, ये इनका तल्लक MQM से है और उनका इंतखाबी निशान जो है वो पतंग है, ये भी मैदान में है और 8 फरवरी को ये इलेक्शन जो है लड़ेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका मैं आपको बताता चलूं कि उनका जो है नाम चौधरी तैमूर अली खान, बड़ा वेल नोन हैं ये, लेकिन इस वक्त ये पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इनका इंतखाबी निशान घड़ियाल है। उनके छोटे भाई हैं चौधरी नौशाद अली खान, इनको हुक्का दिया गया है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं अपना PP20 पे, उसका जिक्र हम अगले अपने वीलॉग में करेंगे।
इसके अलावा सैफुररहमान है जी, इनको नलका दिया गया है। शाजिया अब्बास चौधरी हैं, इनको इंतखाबी निशान क्वीन मलका दिया गया है। मोहम्मद शाहीन हैं, इनका इंतखाबी निशान पैराशूट है। इसके अलावा उमर खान हैं, इनको इंतखाबी निशान लालटेन दिया गया है। मोहम्मद इजाज चौधरी, ये अपना इजाज अमीर नहीं है, ये मोहम्मद इजाज चौधरी हैं, इनको इंतखाबी निशान मोर दिया गया है। मोहम्मद जहांगीर मलक, इनको बड़ा ख़तरनाक इनका इंतखाबी निशान है पिस्तौल दिया गया है। नवीद आरफ आवान जो हैं, उनको अंग्रेजी हरूफ तहजी का पी दिया गया है, पी फॉर पाकिस्तान। तो इसी तरह मूसा हबीब राजा हैं, उनको जहाज दिया गया है। हारून अरशाद जंजुआ बड़े मारूफ कानूनदान हैं और पीटीआई से इनका तल्लक है, बानी अहदेदारों में इनका शुमार होता है। इनको बैटरी इंतखाबी निशान दिया गया है। अब देखना है ये है जी के ये जो इलेक्शन हो रहा है इसमें ये उम्मीदवार अपनी क्या क्या कारकर्दगी दिखाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और 8 फरवरी को वो वक्त होगा जब शाम को या रात गए नतीज का ऐलान किया जाएगा। ये है जी हल्का NA 58। और अब हम जो है इसका PP 20 है उस पर बात करेंगे और PP 21 पे बात करेंगे, फिर हम तलागंग जाएंगे, NA 59 पे बात करेंगे, PP 22 और 23 पे बात करेंगे। आप से गुजारिश है कि हमारे साथ रहिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।